मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इस क्लास में आपको स्टैटिक जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और एक बात मैं आपको बार बार बताता हूँ, यदि आपको किसी चीज़ में सक्सेस होना है तो उसको आपको बहुत ही सिद्धतों से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सिद्धत लाइक कि आपको दिल लगा के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब वो कैसे पढ़ते हैं उसका तरीका बताता हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, उसको अपने कॉपी में नोट करिए। एक ट्रिक समझिए, कॉपी में नोट करिए, ठीक है, रात को सोते टाइम उसको एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, सबको साइंस, स्ट्रेटजी के और रीजनिंग, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको कि बस ऐसे करिए, ठीक है, और जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के ठीक 20 दिन पहले सभी क्वेश्चनों को आपको दिल से, दिमाग से पढ़ना होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको सभी क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे और इस क्लास से, जो मेरी क्लास है, ठीक है, इससे क्या होगा कि इस क्लास से आपको 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कन्फर्म आ जाएंगे। ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन हमारा पहले से लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। ये देखिए डॉट 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 है, ठीक है, तो कौन से ऐसे शिष्य थे जिनको यह सौंपा गया था। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन है आपके पास और चार ऑप्शन में से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह और जुझार सिंह। ठीक है, तो दोस्तों जो गुरु गोविंद थे, ठीक है, उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने जो संस्था सौंप दी थी, किसको सौंपी थी, तो उन्होंने अपनी जो संस्था सौंपी थी वह सौंपी थी किसको सौंपी थी वो पता है? उस उन्होंने सौंपी थी किसको? बंदा बहादुर को। ठीक है, तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें बंदा बहादुर के बारे में, ठीक है, देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ कि बंदा बहादुर जो थे वह गुरु गोविंद के क्या थे? प्रिय शिष्य थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने उनको वह संस्था सौंप दी कि मैंने अब आप आगे इसको चलाइए। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि उन्हें ही जो उनका नेतृत्व करना था, ठीक है, किसका? गुरु गोविंद सिंह के, जिन्होंने एक तरीके से संस्था बनाई थी उसका नेतृत्व करना था। ठीक है, इसलिए उन्हें सौंपा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, बहुत लोगों के दिमाग में केवल एक चीज़ आ रही होगी कि पाकिस्तान का जो नाम है वो एक ही व्यक्ति गढ़ सकता है और उसका नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सबके दिमाग में यही होगा मुझे पता है, लेकिन जो पढ़ते होंगे उनके दिमाग में कुछ और होगा। ठीक है, पता है क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का नाम नहीं गढ़ा था, पता है किसने गढ़ा था? उसको गढ़ने वाले थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चल तो आप कभी भी पाकिस्तान के बारे में अगर बात कर लें तो कौन थे? वो थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चल तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रोलेट एक्ट और साइमन कमीशन। ठीक है दोस्तों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, अगर हम बात कर लें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने
जो मैं आपको बताता हूँ कि 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, ठीक है, पंजाब में ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, वो सुनिए। जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो देश भर के जो ब्रिटिश शासन के थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो रवीन्द्र टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी, ठीक है, और कहा कि ये नाइटहुड उपाधि ले जाइए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये उपाधि तुरंत ही तुरंत ब्रिटिश प्रशासन को मुंह पे मार दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और एक तरीके से ये भी याद रखिएगा कि जो 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये जो नरसंहार, तो आप समझ ही गए होंगे, जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है। तो चलिए अगर मैं गोदावरी नदी के बारे में बात करूँ, तो जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है, कहाँ की, दक्षिण भारत की एक, दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है, एक प्रमुख नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ इन नदियों के बारे में, तो इसका जो उद्गम है वह पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम, ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, त्र्यंबकम, ठीक है, थोड़ा सा त्र्यंबकम पहाड़ी, त्र्यंबकम पहाड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी, आपने सुना होगा कि ओम त्र्यंबकम यजा महेश ध्वनिम पुष्टिवर्धनम उर्वार कवियोगनाथ मृत्यु मुच मातृता, ठीक है। तो ये संकल्प कौन का, महामृत्युंजय मंत्र है जिसमें त्र्यंबकम के बारे में बात की गई, ठीक। तो गोदावरी नदी का जो है वह त्र्यंबकम नामक एक पहाड़ी है, वहाँ से महाराष्ट्र से यह निकली हुई, ठीक है। तो सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। तो ये दिया है डल झील, लोकटक, चिल्का, बुलन, ठीक है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो मीठे पानी की झील है वह भारत में सबसे बड़ी कौन सी झील है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि भारत में मीठे पानी झील के बारे में, तो वो कौन सी झील है, जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, जम्मू जो कश्मीर है, ठीक है, उस जम्मू कश्मीर कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इस राज्य में बाड़ीपुरा ज़िले में, ठीक है, बाड़ीपुरा कौन सा, बाड़ीपुरा, ठीक है, बाड़ीपुरा ज़िले में ये जो बुलर झील है, ठीक है, वहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो वहाँ से कहाँ से निकली है सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है, बुलर झील, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि, और कौन सा राज्य में, ये तो बता ही दिया मैंने, और उसका जो जिला है एक तरीके से राज्य है वो कौन सा है, बाड़ीपोरा, ठीक है, कौन सा, बाड़ीपोरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान से प्रभावित है, ठीक है, किस संविधान से प्रभावित है, जो उनके बनाने की प्रक्रिया है किस संविधान से प्रभावित है, ठीक है। तो बात कर लें कि प्रभावित है वो यूएसए से, ठीक है, यूएसए का संविधान सबसे पहला संविधान है, और भारत का और विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो वो भारत का है, और सबसे पहला संविधान कौन सा है, तो वो था यूएसए का, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो प्रक्रिया है वो हमारी यूएसए से प्रभावित है कानून बनाने की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष भारत में संसद में अधिनियमित किया गया था,
2006, 2007, 2008, 2009, ठीक है। तो बता रहा हूँ, यदि आप इस क्लास को लेते हैं तो 25 नंबर आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपको इसी में से आएंगे, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप मेरा सपोर्ट करते हैं, 25,000 होते ही, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-1 लाख, 25,000 होते ही मैं डिजिटल बोर्ड लूँगा और आपको इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन, इसी का ही नहीं मतलब किसी भी क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वह उस पर और भी अच्छी तरीके से दे पाऊँगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं डिजिटल बोर्ड पे चला नहीं पाऊँगा, एक ही क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं एक ही क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अब जैसे एक एक क्वेश्चन अगर लिखूंगा तो दिक्कत होगी, किसी चीज़ को समझाना तो चलो ठीक है, मानो कि अगर मुझे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है तो समझा दूंगा, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में 100 क्वेश्चन अगर मुझे बताना हो आपको, 100 क्वेश्चन चलो ठीक है, 25 ही क्वेश्चन बताना हो तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद समझाने में मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन जो डिजिटल बोर्ड रहेगा उसको समझाने में मज़ा भी आएगा। ये कब हो सकता है पॉसिबल, जब आप मेरा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो या शेयर करो, ठीक है। चलिए, ये तो बात की बात है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करोगे ही। तो बात कर ले शिक्षा के बारे में, तो वह कब हुआ था पारित, तो वह हुआ था हमारा दोस्तों 2009, ठीक है। 2009 में जो अधिनियम यह पारित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि महाराजा सवाई जयसिंह, इस नाम से हॉस्पिटल भी है, तो जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलिक वैधशाला स्थापित की, ठीक है। महाराजा सवाई जयसिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलिक वैधशाला स्थापित की, उज्जैन, शमिला, भरतपुर, जोधपुर, ठीक है। तो जो महाराजा सवाई जयसिंह थे वो अजमेर के कछवाहा वंश के थे, ठीक है। कौन सा, कछवाहा वंश के थे महाराजा जयसिंह, ठीक है। और बात कर लूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया था, तो काशी में मतलब बनारस, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर में क्या किया था, एक तरीके से वैधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो ये जो राजा थे वो कहाँ के थे, एक तरीके से अगर हम बात कर लें तो ये थे उज्जैन, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि सिंपली ये जो राजा थे, तो एक तरीके से वो राजस्थान, जोधपुर के राजा थे, ठीक है। और वहाँ राजस्थान में एक तरीके से वहाँ पे उन्होंने एक तरह से अपना राज दरबार लगाया हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो शासन किया था, मतलब अलग अलग जगहों पर शासन किया था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काशी हो गया, बनारस, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, ठीक है। जयपुर में तो कह लेंगे क्योंकि वो राजस्थान के अंतर्गत आता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि किसी चीज़ को जीतना पड़ता है, ठीक है, तो किसी एक चीज़ पे फिक्स होगा कि वो वहाँ तक शासन कर सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने अन्य जगहों के बारे में भी बताया, जैसे काशी, दिल्ली, उज्जैन, तो वहाँ पर भी इन्होंने यह किया था शासन, ठीक है। तो यहाँ पर केवल खगोलिक वैशाला की बात हुई थी, तो अगर मैं बात कर लूँ कि उन्होंने कहाँ किया था, तो वो किया था जोधपुर में, ठीक। तो डी इज अ, क्या है, डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये किसने किया है, ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, खसरा रूबेला, खसरा गलसुआ, रूबेला तपोदिक और फ्लुएंजा और गलसुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात कर लूँ, तो इसका जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा खसरा और रुबेला, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है, तो उसका जो हमारा राइट आंसर था, ठीक है, वो था हमारा ए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार उस क्वेश्चन को, ये हमारा उज्जैन है, ये हमारा पहला था, ठीक है। तो उज्जैन में इन्होंने वैधशाला को स्थापित किया था, ठीक है। तो डी जो हमारा था जोधपुर, मैंने बताया जो कि ये गलत है, ये इधर राइट आंसर, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ 24 नंबर की, तो इसका हो जाएगा खसरा और रुबेला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंसान से ही गलती होती है, थोड़ा समझाने में मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया, इसलिए मैंने गलती से
उज्जैन की जगह जोधपुर को लगा दिया, ठीक है। उसके के लिए आपको सॉरी बोलता हूँ, क्षमा चाहूँगा, गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो इलाहाबाद में संख्या बहुत ही अत्यधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लूँ तो निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने को मजबूर होना पड़ा? रामपुर, जूनागढ़, फरीदाकोट, पोरबंदर, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, फरीदकोट और पोरबंदर, ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से अगर मैं बात कर लूँ तो सितंबर 1947 में जूनागढ़ जो रियासत थी वो पाकिस्तान में मिलने से के बारे में जो थी, ठीक है। तो जो जूनागढ़ जो रियासत थी, ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी जबकि इसके अधिकांश राज्य में, ठीक है, तो यहाँ पर जो जूनागढ़ राज्य है तो वहाँ पर अधिकांश राज्यों में क्या रहते थे, हिंदू रहते थे, ठीक है। तो जब हिंदू रहते थे, ठीक है, तो कब ये बात हुई थी, तो 1947 में, ठीक है। तो बात को सुनिए, तो क्या हुआ कि जब 1947 में जो जूनागढ़ रियासत थी, ठीक है, तो इसके अधिकांश जो जनता जो थी वो हिंदू थी, तो क्या हुआ कि जनता ने विरोध किया, ठीक है, और उन्होंने विरोध किया और स्वतंत्रता की जो हुकूमत को समाप्त कर दी, ठीक है, हुकूमत की समाप्त कर दिया और उसकी स्थापना की, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इससे जो मजबूर होकर जो पाकिस्तान के जो नवाब पाकिस्तान का भाग भाग गया था, ठीक है, भाग गया, तो इससे क्या हुआ कि जो जूनागढ़ के दीवान के जो पत्र थे तो 9 नवंबर 1947 में जूनागढ़ के भारतीय प्रशासन ने स्वीकार कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से सन 1947 में ये जो जूनागढ़ रियासत थी, ठीक है, तो जूनागढ़ में एक सिंपल तरीके से समझिए, जूनागढ़ में हिंदू रहते थे अत्यधिक और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में स्वीकार नहीं किया और वो उन्होंने हिंदुस्तान को सेलेक्ट किया और वहाँ पे वह शामिल हो, ठीक है। तो बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। तो बता दूँ कि कर्क रेखा जो है वह हमारी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ कि जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध की भूमध्य रेखा समांतर 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट पे जो है वह स्थित है, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, तो इन राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। 28 नंबर क्वेश्चन है, लिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, ठीक है, तो वह है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो संबंधित कार्यों को करने के लिए कई समितियां गठन किया गया, इनमें 8 समितियां थी। पहली समिति संघ सदी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह के लेखक लिखी गई थी, भास्कराचार्य, महावीरचार्य, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ठीक है, तो यह जो लिखी गई थी महावीरचार्य द्वारा लिखी गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी, वो थी महावीराचार्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लें, जो 31 नंबर है कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलैथिंग इंडियन लिखी जो बताती है कि भारत में 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वीरप्पा मोइली, एस कृष्ण, शशि थरूर और मनोहर पर्रिकर, ठीक है। तो किन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और वो कहते थे कि 25 से 30 सालों में जो भारत है वह महाशक्ति बन सकता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक तरीके से टेस्ट रहेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वह राइटर कौन थे। ठीक है, तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिए, जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा टीचर बोर्ड लेके आऊँगा और भी अच्छी तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँगा। और एक बार याद रखिएगा, अगर आपको कामयाब होना है तो इस क्लास को जरूर लीजिए, और 25 क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपके 25 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।